तो दोस्तों फाइनली ये है मेरे पास यूनिवर्सल मैजिकल चार्जर। इससे आप किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं जिस फ़ोन की बैटरी रिमूवेबल हो, यानी अगर आप आपकी स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करेंगे तो वो इससे नहीं होगा। अगर आपने इसे ले लिया है तो आप इस तरीके की बैटरी की इसे चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग की हो, नोकिया की हो, इंटेक्स की हो, कोई भी स्मार्टफोन की बैटरी हो, बस वो रिमूवेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर वो तीन यहाँ पे तीन अगर कलर का है तो ऐसे कोई भी बैक नहीं है, आप इसे भी चार्ज कर सकते हैं इससे। और अगर ये चार है सैमसंग का है तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटर नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई, अगर देखिए अगर आप इसे ऑनलाइन मार्केटिंग से खरीदते तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। एटलीस्ट आपको यहाँ से 150 रुपये ज़्यादा आपसे ले लिए जाएंगे। तो अगर इसे आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो मैं आपको बता दूँ 60 रुपीज़ यानी 60 रुपये के अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे, 60 से 70 रुपये में। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, आपके नज़दीकी मार्केट में आप यार आसानी से इसे ले सकते हैं। इसे ऑनलाइन खरीदने की ज़रा भी कोशिश मत कीजिएगा, आपको ठग लिया जाएगा, आपसे 100 रुपये 120 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं, और लेने के बाद वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मेड इन चाइना होता है, कुछ इसमें चीज़ें खराब आती हैं तो इसमें कुछ क्वालिटी की भी आती है। आप अगर 60 रुपये का ले रहे हैं तो ये आपको थोड़ी सी लो क्वालिटी मिल जाएगी, अगर आप इसे थोड़ा हाई लेना चाहते हैं तो हाई भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये इससे बहुत ही स्लो चार्ज होता है, बैटरिया जो होती है इससे बहुत ही धीमी चार्ज करती है। लाइक हम ले लेते हैं, अगर 60 रुपये वाली चार्ज में अगर हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज करें तो वो बहुत ही स्लो होता है। अगर उसी जगह हम रिप्लेस करके बढ़िया ब्रांडेड 250-300 रुपये अगर चार्जर ले लें तो वो अच्छे तरीके से चार्ज करता है। तो आप आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरीके के लेना है तो ये आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, वैसे तो बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन ना खरीदें, इसे ऑफलाइन ही आप खरीदें किसी दुकान से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे तीन बल्ब मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो बल्ब है आपका, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बल्ब है, यहाँ पे लिखा है टेस्ट, यानी अगर आप इस बैटरी को लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली से ये वाला जो बल्ब है ये जलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये बल्ब ऑटोमेटिकली जब इसे लगाने के बाद जलने लगेगा जब आपका ये बैटरी चार्ज होगा। अगर नहीं भी चार्ज है तो इसे लगाने के बाद आप जब यहाँ से इसे चार्ज करने के लिए ले जाएंगे तो ये जो ब्लू लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे बीच वाला सेंटर का एकदम, ये आपको दिख जाएगा, ये ब्लू कलर में अप डाउन करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है तो ये ओके दिया गया, आपके यहाँ पे फुल दिया होगा, तो ये अगर बैटरी आपकी जो फुल चार्ज हो जाती है तो वो यहाँ पे ये वाली लाइट जलने लगेगी। तो इतना सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको पिन टाइप में ऐसे मिल जाएगा, तो ऐसे आपको ऐसे प्लग करके ऐसे ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाती होंगी, ठीक है। तो यही हमारा वो पिन है, इसी में हमको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं कैसे यूज़ करना, तीन वाला अगर है तो सिंपली आपको यहाँ देख लीजिए फेस आपका किधर का होना चाहिए, इस साइड से इस तरीके से हमें इसे बैटरी को ऐसे यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैटरी को यहाँ से प्लग किया ये जो रेड वाली लाइट है वो जलना स्टार्ट हो गई है, ये शो कर रहा है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज है। तो जब हम इसे अपने प्लग में लगाएंगे ऐसे यहाँ से इसे निकाल कर तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो ब्लू लाइट है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया। अब बड़ी वाली बैटरी की बात कर रहे थे कि हमें इसे कैसे लगाना है, तो इसके लिए आपको सिंपली ऐसे ही करना है, दोनों फेज को आपको ऐसे सीधा रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेंटर से किनारे से तीन लाइन को लेना है, उसके बाद पहले वाली पोजीशन को लेना है, उसके बाद देखेंगे आपकी जो बैटरी पॉइंट है वो शो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगली हर वीडियो को आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।